हीट नंबर फोर पूरे का पूरा डिपेंड किसके ऊपर करता है, फॉर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग की फॉर्मा की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, सबसे पहले वो वीडियो के हिसाब से फॉर्मा तुम्हारे को याद करनी है, उसके बाद तुम सम्स करोगे। दो पाँच मिनट में सम्स दे रहा हूँ बरे कि क्वेश्चन में तेरे को चाहिए क्या फॉर्मा के लिए। अगर मटेरियल है चार्ज क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। अगर लेबर है स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम एक्चुअल रेट तेरे को चाहिए बरे। तो तेरे को क्वेश्चन में से खाली ये चीज़ों को डिसाइड कर रहा है, बाकी तो तेरे को फॉर्मा इंटरप्रिट कर देनी है, कुछ करना नहीं है। देख क्या दिया क्वेश्चन, द रिकॉर्ड ऑफ द कॉन्वेक्स इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिकेट द फॉलोइंग ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। स्टैंडर्ड ऊपर बोल दिया, मतलब ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ है किसकी, स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन है। किसकी है? अच्छा, स्टैंडर्ड में दो चीज़ थी, डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो भाई हम लोग लिख देंगे कि भाई मटीरियल के लिए मेरे को चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन में मैं लिख दूंगा कि भाई मटेरियल के लिए मेरे को चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी। लेबर में मेरे को चार चीज़ चाहिएगी, स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम एक्चुअल रेट। लिख दूंगा, क्वेश्चन रीड करते जाऊंगा, जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वो क्वेश्चन में लिखते जाऊँगा। अच्छा, क्वेश्चन में देख, ऊपर मेरे को बोल दिया है स्टैंडर्ड, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन है किसकी, स्टैंडर्ड की है। स्टैंडर्ड की क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो डायरेक्ट मटेरियल 4 गैलन एट रेट 120, यूनिट कोस्ट 480 बोला है, तो यूनिट कोस्ट का कोई अपने को लेवा देवा नहीं है। कितने गैलन बोला, 4 गैलन बोला हुआ है, ने भाव कितना बोला 120, तो 120 जो है वो तेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस हो गया। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस 120 लिख दिया। अच्छा, 4 गैलन का भाव बोला है, और हम नीचे देखेंगे कि क्वांटिटी वो कितना यूज़ करता है, जितनी एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ करे उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को नक्की करेंगे बरे। उसी तरीके से देखते को डायरेक्ट लेबर का भाव दे दिया है 3 आवर का 180 रुपये के हिसाब से भाव बोला है, तो ये 180 है वो तेरा क्या हुआ, स्टैंडर्ड रेट हो गया। देख यहाँ बाजू में स्टैंडर्ड रेट 180 लिख दिया, स्टैंडर्ड प्राइस मिल गया, स्टैंडर्ड रेट अपनों को मिल गया। अब क्वेश्चन हम लोग रीड करते जाएंगे, क्वेश्चन में देख क्या बोला हुआ है, मंथ ऑफ अप्रैल एक्टिविटी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल हैज बीन 6500 यूनिट। तुम लोग ने करा क्या आएगा, 6500 यूनिट का तुमने प्रोडक्शन किया, कितने यूनिट का तुमने प्रोडक्शन किया 6500। अब ऊपर जो तेरे को इन्फॉर्मेशन दिएगी ना वो सब किसकी दी है, पर यूनिट की दिएगी बरोबर है, किसकी इन्फॉर्मेशन दी है पर, कैसे जिससे खबर पड़ी। देख डायरेक्ट मटेरियल 4 गैलन एट द रेट 120 बोला है, बाजू में यूनिट कॉस्ट बोला है 400 नहीं, यूनिट कॉस्ट मतलब एक यूनिट का खर्चा, तो एक यूनिट के खर्चा कितना है 480 है ना। अच्छा, एक यूनिट बनाने के लिए कितना गैलन चाहिए है, 4 गैलन चाहिए, तो तूने कितने यूनिट बनाए, 6500 यूनिट बनाए, तो 6500 मल्टीप्लाई बाई 4 करूँगा तो कितना आएगा, 26000 आएगा। 26000 क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 26000 क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसी तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 3 आवर दिया है ना, पर 3 कलाक एक यूनिट के, तो 6500 यूनिट के 6500 मल्टीप्लाई बाई 3 19500, ये तेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम तेरा हो गया। सही है, स्टैंडर्ड टाइम मिल गया, स्टैंडर्ड रेट भी मिल गया, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई बरे। या पर खबर कैसे से पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड दिया है तो क्वेश्चन में देख डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिया है ना, उसके ऊपर स्टैंडर्ड बोल दिया है, स्टैंडर्ड के थ्रू। अगर ये चीज़ में ऊपर एक्चुअल बोलते तो जैसे मेरा एक्चुअल का हो जाता सर बड़ी, स्टैंडर्ड वाला चैप्टर ओवर। इसके बाद एक क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनिए, मटेरियल परचेज 3200 गैलन 8 रुपीज 180 पर गैलन, हमने 32000 गैलन माल खरीदा क्या भाव से, 118, तो 118 क्या हो गया एक्चुअल प्राइस। देख ए पी करके 118 लिखा ना। अच्छा, कितना तूने खरीदा, 32000 यूनिट तूने खरीदा,
बर जिसमें सी प्रोडक्शन में यूज कितना हुआ 25 से, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी तूने यूज कितना करा, तो एक क्यू तेरा क्या हो गया 2500 तेरा हो गया, सही है। अच्छा आगे ऊपर क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, लेबर आवर वर्क, कितना लेबर आवर वर्क हुआ 20 साल लेबर और वर्क हुआ, क्या भाव से 175 से, तो ये एक्चुअल टाइम 20,000 रेट हो गया 175। तेरे पास ये 8 चीज़ें तूने डिसाइड कर ली ना, उसके बाद तेरे को खाली फॉर्मा लगानी है, फॉर्मा तेरे को याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके लिए तेरे को फॉर्मा की वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, फॉर्मा वहाँ से तेरे को करने का याद कर लेने का। अब क्वेश्चन में कौन सी फॉर्मा के बारे में बोला है, तो कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस लेबर वेरिएंस बोला ना। अब मटेरियल की 5 फॉर्मा है, लेबर की भी 5 फॉर्मा है, पर छेली 2 फॉर्मा के अंदर आर एस क्यू ने आर एस टी चाहिए, पूरे क्वेश्चन में क्या आर एस क्यू ने आर एस टी दिया नहीं दिया, तो पहली 3 फॉर्मा लगा देने की, देख लगा दी मटेरियल की, एम सी भी लगा दी, एम पी भी लगा दी, एम क्यू भी लगा दी। अगर तेरा आंसर प्लस में आवे तो एफ, बाजू में एफ लिखने का, एफ फॉर फेवरेबल, ने माइनस में आवे तो अनफेवरेबल लिखने का, सही है। फॉर्मा लगा के खाली इंटरप्रेट करना है, लास्ट में वेरिफिकेशन भी कर देने का। वेरिफिकेशन में क्या करने का, पहले नंबर की फॉर्मा बराबर दूसरे नंबर की फॉर्मा प्लस तीसरे नंबर की फॉर्मा, पहली एम सी वी प्लस एम पी वी, और एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम क्यू वी, बरे उसी तरीके से लेबर की फॉर्मा भी तेरे को लगा देने की, वेरिफिकेशन कर देने का। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आएगा, तेरे को क्वेश्चन के ऊपर से एस पी क्या, एस क्यू क्या, ए पी क्या, ए क्यू क्या, एस आर क्या, एस टी क्या, ए टी क्या, यार तेरे को खबर होनी चाहिए। देख फॉर्मा की वीडियो देख ले, फॉर्मा तेरे को समझ लेने की है, पहली 5 तेरे को समझ ले, बाकी की 15 तेरे को ऑटोमेटिक आ जाएगी। बरबर है साहब, बड़ी फिनिश हो गया तुम्हारा साहब।